से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फूडी, स्वागत है आपका कुक विद सोनिया में। और आज चलिए दिवाली स्पेशल बनाते हैं बहुत ही झटपट से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो झटपट से क्या बनाएं, तो हम आज फ्रेश नारियल के फ्रेश लड्डू बनाएंगे, जो कि देखने में जितना यमी है खाने में उससे ज़्यादा कई गुना टेस्टी होता है। तो चलिए इस रेसिपी को देखते हैं और झटपट से अपनी मिठाई तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रेश नारियल ले लिया है, जो कि मैंने इस तरह से कट करके छील लिया है। दोनों साइड से देख लीजिए, बिल्कुल सफ़ेद पार्ट है। और छीलने से क्या होता है ना कि बिल्कुल वाइट वाइट हमारी जो लड्डू बनती है बिल्कुल वाइट वाइट बनती है, बिल्कुल भी उसमें ना ब्लैक ब्लैक दिखाई नहीं देता। और एक हम मिक्सी का जार लेंगे और उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम कट करके सारे नारियल के टुकड़ों को इसी तरह से कट करके ले लेंगे। और उसके बाद हम इसका रुक रुक कर एक डायरेक्टली मत चलाइए, वरना ये पेस्ट बन जाएगा। बस हल्का चलाइए, फिर बंद कर दीजिए, फिर हल्का चलाइए, फिर बंद कर दीजिए। इस तरह करते हुए हमें इसका फाइन जो है इसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए इस कुछ इस तरह का, जिस तरह से ये ना नारियल का पाउडर होता है ना डेसिकेटेड कोकोनट, बस उस तरह का ये पाउडर बन करके रेडी हो जाएगा। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। और मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसको मैंने प्रीहीट करने के लिए यानी कि गर्म होने के लिए रख दिया। और उसमें हम डाल देंगे अपना नारियल, जो कि हमारा फ्रेश नारियल है। और अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी हल्का जो पानी है मॉइस्चर है वो अपना सोक कर ले और ये थोड़ा सा खिला खिला सा हो जाए तब, और इससे थोड़ी सी ना खुशबू भी आने लगे। और तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये खिला खिला सा हो गया है, बहुत ये देखिए बहुत अच्छे से पहले के अकॉर्डिंग से ये देखिए एकदम बिल्कुल लग रहा है जैसे कि हमने डेसिकेटेड कोकोनट ही लिया है, लग ही नहीं रहा कि हमने फ्रेश नारियल लिया है। और उसी में मैं डाल रही हूँ जिससे हमने डाला था ना नारियल का पाउडर, उसी से मैं आधा से भी आधा कटोरी जो है उसी से मैं डाल रही हूँ शुगर। और उसी में मैं थोड़ा सा मलाई वाला दूध डाल रही हूँ, जो कि इसको थोड़ा सा ना गीला गीला सा लगेगा। जो चीनी हमने डाला है वो हमने पाउडर नहीं डाला है, साबुत डाला है, जिससे ये गलाने में इसकी हेल्प करेगा, इसीलिए हम दूध डाल रहे हैं। और थोड़ा सा मॉइस्चर भी छोड़ेगा ये, तो नारियल जो है ना वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, तो हमारा नारियल का लड्डू और भी ज़्यादा यमी दिखेगा। और इसी में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा उसी देखिए मैंने 4 से 5 चम्मच बस डाला है, ज़्यादा नहीं लिया है। अगर है तो डालिए, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी बनती है। मैंने दूध ले लिया है यानी कि मिल्क पाउडर, और सभी को हम अच्छे से बस लो फ्लेम पर मिक्स करेंगे। बहुत ही धीमी आंच पे इसको मिक्स करना है फ्रेंड्स, वरना आपकी जो नारियल है वो जल जाएगी और बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं आपका लड्डू तैयार होगा। तो बस इस तरह से आप पानी को सोक करते हुए एकदम ये जब खिला खिला सा हो जाए ना तब, अब ये देखिए बिल्कुल खिला खिला सा हो गया है। अब इसको गैस ऑफ कर दीजिए और ये देखिए मैंने थोड़ा देर के बाद ये देखिए बहुत अच्छे से ये खिला खिला सा हो गया है। और अब थोड़ी बिल्कुल ये मतलब कि रूम टेम्परेचर पर है, बिल्कुल गर्म नहीं है। और इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसको लड्डू बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए आप हाथों का ही इस्तेमाल कीजिए लड्डू बनाने के लिए, और इस तरह से जितना बड़ा साइज में आप बनाना चाहते हैं उतने साइज में आप इस तरह से गोल गोल करके लड्डू बना लीजिए। बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी बनती है लड्डू। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसका टेक्सचर देखिए। एक क्या होता है ना, नारियल जो हम लोग फ्रेश लेते हैं उससे क्या होता है कि हमारी लड्डू ना बहुत अच्छी बनती है, एक तो खाने में भी टेस्टी होती है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो इस तरह से आप भी अपने जो फेस्टिवल है या फिर जो भी फंक्शन वगैरह है ना, अगर आप कोशिश कीजिए कि आप घर पे ही बनाइए मिठाइयाँ। घर की मिठाइयाँ ना एक तो हेल्दी भी होती है और हमें पता होता है कि हम क्या डाल रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा भाषण दे रही हूँ, आई नो भाषण का टाइम नहीं है, अभी खाने का टाइम है। चलिए अब अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं, सारे लड्डू बना करके इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए देखने से लग रहा है ना कि बस फटाफट झट से सारा ख़त्म कर दूँ, आई नो ख़त्म करने का मन कर रहा है, पहले जाके बनाओ तो।
और इस दिवाली आप भी जरूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत, बिल्कुल कंजूसी मत करना, और कमेंट करके बताना कि आप में से किसको किसको नारियल का लड्डू पसंद है। और बस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।